अगर आपको जेट स्की में बैठना है तो आपको 1000 baht पे करना पड़ेगा। और ये लास्ट एंड फाइनल आइलैंड है जिसका नाम है खाई आइलैंड। और यहाँ पे महिलाएं सेल्फी का आनंद लेते हुए। वाव गाइस क्या नजारा है देखिए। सो हेलो गाइस वेलकम बैक टू अवर चैनल, मेरा नाम है देव और थाईलैंड सीरीज की सीजन 2 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मैं अभी कर रहा हूँ फुकेट के आइलैंड टूर। मैंने आपको दिखाया फुकेट के फिफी आइलैंड, माया बे, फिफी लगून, मंकी बीच। तो गाइस ये सब आइलैंड में घूम रहा हूँ और ये लास्ट एंड फाइनल आइलैंड है जिसका नाम है खाई आइलैंड। सो गाइस अभी तक आपने फुकेट की आइलैंड टूर की वीडियो नहीं देखी है, जैसे कि फुकेट से माया बे की वीडियो, फिफी आइलैंड की वीडियो, तो वो वीडियो भी ज़रूर जाके देखिएगा। वीडियो बहुत ही कमाल की है और आपको बहुत ही मज़ा आएगा। बहुत सी इन्फॉर्मेशन मैंने शेयर की है तो वो आपको बहुत ज़्यादा काम आएगी। तो आई बटन में भी वीडियो की लिंक दे दूंगा, वहाँ पे जाके आप वीडियो चेक कर सकते हो, वीडियो देख सकते हो। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। तो गाइज यहाँ पे ना इंडिया की वाइब्स आती है, इधर जेट स्की वगैरह चल रही है और लोग यहाँ पे स्नान का आनंद भी ले रहे हैं। अच्छा, बहुत सारे लोग आप देखिए मेरे पीछे बैठे हुए हैं। ओके, तो यहाँ पे जैसे हम आइलैंड पे आए तो हमको सबसे पहले तो फ्रूट्स दिए गए और उसके बाद कोल्ड ड्रिंक्स भी दिया गया, वो सब फ्री है, इंक्लूडेड इन आइलैंड टूर। एक बार आपको मैं खाई आइलैंड की एक झलक दिखा देता हूँ। बहुत ही छोटा आइलैंड है, मतलब पैदल चलोगे तो तकरीबन 10-15 मिनट में गोल गोल घूम के आ जाओगे वापस वहीं पे। तो बहुत ही छोटा है आइलैंड। तो एक बार आपको मैं आइलैंड की झलक दिखा देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे हमें 1 घंटे के लिए रोका गया है और मेरे पास है अभी 1/2 घंटा। तो क्या नाचो भाई? फटाफट से आपको मैं वॉकिंग अराउंड दे देता हूँ खाई आइलैंड का। एंड गाइस वीडियो में बने रहे, वीडियो एंड तक देखना, ज़्यादा नहीं बोलता हूँ और आपको दिखाता हूँ खाई आइलैंड। सो गाइस सारी स्पीड बोट यहाँ पे खड़ी है और मैं जिस स्पीड बोट से आया था वो लास्ट है, उसके बाजू में जो है सेकंड लास्ट वो मेरी स्पीड बोट है जिससे मैं आया था। सामने आप देख सकते हो आपको जेट स्की दिख जाएगी। सो गाइस आपको जेट स्की में बैठना है तो 1000 baht एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, क्योंकि आपके टूर बुकिंग में नहीं आता है। और बहुत सारे लोग यहाँ पे चेयर लगा के बैठे हैं बीच का आनंद लेते हुए। एक बार मैं आपको उस तरफ पे लेके चलता हूँ, उस तरफ क्या है तो वीडियो के साथ बने रहिए गाइस, दिखाता हूँ उस तरफ का नज़ारा। बच्चे छोटे बड़े सभी लोग बीच पे स्नान का आनंद ले रहे हैं और इस तरफ भी आपको जेट स्की वाले दिख जाएंगे। सो गाइज ये बहुत ही छोटा आइलैंड है, आप देखिए बहुत सारी चेयर मिल जाएगी, यहाँ पे आप बैठ सकते हो, सॉफ्ट ड्रिंक एंजॉय कर सकते हो, वाइन एंजॉय कर सकते हो और बीच के नज़ारे का आनंद ले सकते हो। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। और यहाँ पे धूप सेकती हुई दो महिलाएं, सामने आप देख रहे हो बहुत सारी चट्टाने छोटी छोटी, वहां तक ही फैला हुआ आइलैंड है, उससे आगे पानी ही पानी यानी समुंदर है। आगे मैं ज्यादा नहीं जाता हूँ क्योंकि उस तरफ कुछ है ही नहीं, तो फिर जाके क्या करूँगा। बीच का नजारा मैंने दिखा दिया है, अभी मैं आपको आइलैंड के बीच में लेके चलता हूँ क्या है। यहाँ पे कपड़े वगैरह मिलते हैं, महिलाओं के कपड़े ज्यादा मिलते हैं, बिकिनीज वगैरह मिल रही है एंड ये है रिसोर्ट। एक बीच रिसोर्ट है, और यहाँ से अमेजिंग नज़ारा आपको दिखाता हूँ, वीडियो में बने रहिए।
रेस्टोरेंट से अंदर आओगे तो आपको इस तरफ से बीच का अलग से एक नजारा देखने को मिलेगा। समझ रहे हो, समझ रहे हो? वाव, यहाँ पे अगर आपको सेल्फी वगैरह खिंचवाना है तो बहुत ही बढ़िया नजारा है, देख लीजिए गाइस। और आप रेस्टोरेंट से थोड़ा आगे से उतर के वहां तक भी जा सकते हो, देखिए बहुत सारे लोग हैं, मैं जूम करके दिखा देता हूँ। और यहाँ पे महिलाएं सेल्फी का आनंद लेते हुए, मैं मेरी फोटो खिंचवा लेता हूँ और मिलता हूँ बाद में। खाई आइलैंड पे आप आओगे तो आपको यहाँ पे इतनी फैसिलिटी मिल जाएगी, तो आप वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिएगा। सो यहाँ पे वाइन वगैरह आपको गाइस मिल जाएगी। उस तरफ से सेल्फी पॉइंट दिखाया था, वहाँ जा रहा हूँ, तो आपको ये सेल्फी पॉइंट भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप जाके सेल्फी खिंचवा सकते हो। तो यहाँ से आपको नीचे जाना है, सी ये पूरा रास्ता ही आपको मैं दिखा देता हूँ। वाह, गाइस इस तरफ भी आइएगा, बहुत ही अच्छी जगह है। और यहाँ पे ना आप जितनी फोटो खिंचवाओ इतनी कम है। आप देखिए कितना अमेजिंग एरिया है। मैं अभी वहाँ पे था, वहाँ पे मैंने सेल्फी मेरी खिंचवा ली है। और आप पानी में से आ सकते हो और बाय वॉक करके रेस्टोरेंट से भी इधर से भी आ सकते हो। सो यहाँ पे अमेजिंग सेल्फी आप खिंचवा सकते हो। वाह, तो थोड़ा मैं ऊपर चला जाता हूँ, देखता हूँ ऊपर क्या है। आपको दिख रहे हैं कि नहीं पता नहीं, लेकिन मुझे गाइस ऊपर बिच्छू दिखे हैं, तो मैं जाने वाला नहीं हूँ ऊपर। आइए तो संभल के यहाँ पे सेल्फी खिंचवाना, ओके, क्योंकि यहाँ पे बिच्छू भी मुझे दिखे हैं। बहुत ही सुंदर नज़ारा है गाइस। वाव गाइस, क्या नज़ारा है, देखिए अमेजिंग नज़ारा है। सूर्यास्त भी होने वाला है और क्या नज़ारा है गाइस। सो गाइस, मैंने आपको खाई आइलैंड का पूरा टूर करा दिया है। आपको मैंने जेट स्की भी दिखा दी, जेट स्की की प्राइस भी मैंने बता दी है, और वॉकिंग अराउंड पूरा आइलैंड टूर दिखा दिया है। सो गाइस, ये हमारे फुकेट आइलैंड टूर का लास्ट आइलैंड था, जिसका नाम है खाई आइलैंड। खाई आइलैंड पे आप क्या क्या एक्टिविटी कर सकते हो वो भी मैंने आपको बता दी है और दिखा भी दिया है। तो गाइस, मैंने खाई आइलैंड की इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर की है। ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी कमेंट के माध्यम से बताइएगा गाइस। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करना। एंड गाइस, चैनल पे नए आए हो और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से जाके भाई के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। अब तक आप लास्ट तक वीडियो देख रहे हो, इसका मतलब हमारी चैनल की वीडियो पसंद आई है। तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर दो भाई। सब्सक्राइब करने में कोई खर्चा लगता नहीं है। ऐसी अमेजिंग इन्फॉर्मेशन, ऐसी अमेजिंग अपडेट के साथ आपको और भी बहुत सारी वीडियो, बहुत सारे कंटेंट आपको मिलने वाला है। तो गाइस, हमारे चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, और साथ में बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑल कर दीजिएगा, ताकि टाइम से हमारी वीडियो आप तक पहुँच जाए। खाई आइलैंड के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखना, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत। तो गाइस, ये है सेल्फी पॉइंट, तो यहाँ पे आप टाइगर किंगडम के अंदर सेल्फी खिंचवा सकते हो। फुकेट में पटाया से ज़्यादा एक्सपेंसिव है टाइगर किंगडम की टिकट प्राइस। थाई जो गार्ड था, जो बाघ के साथ रहता है, वो उंगली कर रहा था, इसी वजह से थोड़ा एग्रेसिव हो गया था, तो थोड़ा मैं भी डर गया था, लेकिन मज़ा आया फिर भी। Thank you.